हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने राजस्थान नर्सिंग ग्रेड सेकंड और जीएनएम का जो फॉर्म अप्लाई किया था 2018 के अंदर, उसका जो रिजल्ट है वो आज आने वाला है। तो आप अपना रिजल्ट, अपना नाम है उस लिस्ट में चेक करें, क्योंकि लिस्ट अभी जारी कर देगा विभाग की तरफ से, लिस्ट वो जारी कर दी जाएगी। जो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ अभी हम देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं विभाग की वेबसाइट पर जाके देख लेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखने हैं। जल्दी वो सारी अभी हम डिस्कस करेंगे किस डेट को आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे, जो लिस्ट कब जारी होगी वो सारी डिटेल हम वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं वन बाई वन सारी चीज़ें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें जो वैकेंसी निकली थी 2018 के अंदर, मई के अंदर ये वैकेंसी निकली थी, लगभग 6,650 वैकेंसी है। तो नॉन टीएसपी वैकेंसी है 6,035 नॉन टीएसपी हैं और 522 हैं टीएसपी वैकेंसी है। तो टोटल 5,557 ऐसे टोटल वैकेंसी थी जो नर्सिंग ग्रेड सेकंड राजस्थान के अंदर निकली थी 2018 के अंदर। तो ये थी वो वैकेंसी जिनका स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काफ़ी लगभग एक साल से वेट कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। तो फाइनली जो रिजल्ट है वो न्यायालय की तरफ से उनको मिल गई है सूचना कि न्यायालय ने आदेश जारी कर देंगे, इनके रिजल्ट वो जल्द से जल्द जारी कर दे जाए। जो न्यूज़ आई थी वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान जयपुर में नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 दस्तावेज सत्यापन बाबत सूचना। नर्स श्रेणी द्वितीय सीधी भर्ती 2018 हेतु अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी के पदों को भरे जाने हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 30/5 यानी मई लास्ट ईयर मई के अंदर 2018 में ये वैकेंसी निकली थी। तो मैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों की संख्या का लगभग दो गुना अभ्यर्थी यानी जितनी वैकेंसी हैं उनसे दो गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना में ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन आवेदन भी किया था उन के दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाए यानी उनको भी इनके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है, न्यायालय ने ये मंजूरी दे दी है कि जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया उनके भी दस्तावेज सत्यापन होंगे यानी उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु वेबसाइट यानी कि www.rajswasthya.nic.in पर सारी जो डिटेल्स हैं आपकी जो लिस्ट है वो भी इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अभी अपन ऑफिशियल ये जो न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में आई थी, अभी अपन ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं कि वहाँ पर जो न्यूज़ ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.rajswasthya.nic.in, इस पर आप अपनी जो डिटेल है इस पर यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है नर्सिंग पैरामेडिकल नियमित सीधी भर्ती 2018, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अपने पास पेज ओपन होगा। इसमें अपन को क्लिक करना है नर्स, अपनी जो वैकेंसी थी वो थी नर्स श्रेणी द्वितीय, यहाँ पे लिस्ट अभी अपलोड होगी। ये तो जो विज्ञप्ति उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे अभी जो लिस्ट या तो आज डिक्लेयर हो जाएगी या फिर कल जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन दोगुना अभ्यर्थी यानी कि लगभग 12,500-13,000 कैंडिडेट्स का जो डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा उनको, जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहीं जयपुर में होगा। तो कैंडिडेट अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तैयार करना, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है संविदा में जो लगे हुए हैं जिन और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना तैयार रखें, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अपना तैयार रहेंगे ताकि जैसे ही लिस्ट आती है तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो किए जाएंगे। तो अपना रिजल्ट वो यहाँ से देख सकते हैं, अपनी जो लिस्ट है वो यहाँ पे डाली जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, वो उस पर अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर वो चेक कर सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्द रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आज शाम को या फिर कल सुबह जारी होगा तो मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे रिजल्ट जारी होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक व शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और साथ ही में आपके जो एक्सपीरियंस के और आपके जो जीएनएम जो आपने नर्सिंग की है वो और आपके ट्वेल्थ के कितने परसेंटेज बन रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं ताकि हमें अनुमान लग सकता है कि आपके सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।